नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार का पहला बजट सोमवार को हुआ पेश, प्रदेश को मिली कई सौगातें। कांग्रेस ने राज्य सरकार के बजट पर दी प्रतिक्रिया, महंगाई को बढ़ावा देने और आम आदमी की पहुंच से दूर बताया। और सावनलाल जाट के मंत्री न होने को लेकर प्रतिपक्ष ने एक बार फिर किया हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बतौर वित्त मंत्री राजस्थान में अपनी दूसरी सरकार का पहला बजट सोमवार को विधानसभा में पेश कर दिया। मुख्यमंत्री ने बजट में राज्य के अंतिम छोर पर बैठे समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। राज्य सरकार का बजट पूरी तरह आम आदमी को समर्पित है और जो आशाएं केंद्रीय बजट से पूरी नहीं हुई थी, राज्य की लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन सबको अपने बजट में पूरा करने का सपना दिखाया है। उन्होंने भाषण की शुरुआत में कहा कि राजस्थान की हालत बेहद खस्ता है, राज्य की जनता पर ऋण भार है। 2008 में 15,000 करोड़ का कर्ज हमारी सरकार ने छोड़ा था, जो अब बढ़कर 75,000 करोड़ हो गया। हमारा लक्ष्य 2020 तक राजस्थान को शक्तिशाली बनाने का है। उन्होंने कहा कि सर्वजन उत्थान मेरी सरकार का लक्ष्य है। सड़कों के मामले में राजस्थान में बहुत काम होना है। गांवों में RCC सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। आज जयपुर से दिल्ली सड़क मार्ग से जाना किसी सजा से कम नहीं है। विकसित राज्यों के लिए विश्व स्तरीय सड़कें होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि PPP मॉडल से प्रदेश में 20,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएगी। 2017 का सड़कों का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 2008 में सड़कों की तुलना गुजरात से होती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में हालत खस्ता हो गई। उन्होंने राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी के गठन की बात कही। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की हालत सुधारी जाएगी। नए बस अड्डों का विकास किया जाएगा। प्रमुख बस अड्डों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 16 अंतरराज्यीय चेक पोस्टों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। इस पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इंटर स्टेट हवाई सेवाएं प्रारंभ की जाएगी। राज्य में 16 नई हवाई पट्टियों का निर्माण किया जाएगा। सरकार राज्य के 10 सेक्टरों में निवेश का दायरा बढ़ाएगी। राज्य ने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति बुरी तरह बिगाड़ी है। उन्होंने बिजली कंपनियों का घाटा 75,000 करोड़ रुपए बताते हुए इनको घाटे से उबारने की प्रतिबद्धता जताई। इसके लिए कंपनियों को 10 करोड़ रुपए प्रति माह का अनुदान दिया जाएगा। राज्य ने कहा कि सभी उद्योगों को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार काम करेगी। 3,11,000 कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। बूंद बूंद सिंचाई करने वाले किसानों को बिजली कनेक्शन तुरंत मिलेंगे। 33 KV के 220 सब स्टेशन बनाए जाएंगे। सरकार का 5,000 गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि शहरी पेयजल आपूर्ति योजना का सरकार पुनर्गठन करेगी। 3,173 गांवों और ढानियों में पीने का पानी पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। सरकार प्रदेश की नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य शुरू करेगी। बांध व नहरों का सुधार होगा। प्रदेश में भूजल पुनर्भरण के कार्य की समीक्षा की जाएगी। चंबल नदी पर 33 करोड़ की 2 नई परियोजनाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन को लाना राजधानी जयपुर के लिए जल्दबाजी का निर्णय था, लेकिन सरकार मेट्रो के प्रथम चरण का कार्य पूरा करेगी। 5 सालों में 15 लाख को रोजगार दिया जाएगा। जनजाति विकास के लिए मुख्यमंत्री ने बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गांवों के लिए गुरु गोवलकर योजना को लागू किया जाएगा। प्रदेश में अपार्टमेंट ऑनर्स बिल लाया जाएगा। प्रदेश के शेखावटी वीवी के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। 4,000 नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा। 3 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर में कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। भरतपुर में एक बीज प्रयोगशाला लगेगी। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि खनन नीति में बदलाव किया जाएगा और जनजाति क्षेत्र में खनन नीति की समीक्षा होगी। बदलाव के दौरान नए रोजगार का सृजन होगा। चूरू में प्राकृतिक पार्क स्थापित किया जाएगा। 16 ब्रिज जीपीएस सिस्टम से लैस होंगे, जिन पर 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गांवों में गोदाम निर्माण के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान दिवस का टूरिज्म मैप पर विकास करेंगे। शाकंभरी माता मंदिर का विकास होगा। झालावाड़ फोर्ट के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सांबर क्षेत्र का विकास किया जाएगा, इस पर 37 करोड़ 65 लाख खर्च होंगे। रनकपुर का विकास होगा, इस पर 6 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अलवर में पर्यटन के बढ़ावे पर 5 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च होंगे। इसी प्रकार रणथंभौर पार्क के लिए 4.34 करोड़ का प्रावधान किया गया है। धौलपुर में मच्छ कुंड पर 4 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। भरतपुर के बिहारी मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, जबकि बीकानेर जोधपुर मेगा डेजर्ट टूरिस्ट सर्किट बनेगा। जयपुर शहर के रविंद्र मंच के नवीनीकरण पर 3.75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रामदेवरा और खाटू श्याम जी की पद यात्रा मार्ग का संरक्षण सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के स्कूलों में 661 शौचालय बनाए जाएंगे। 1800 करोड़ की लागत से नालियों का निर्माण होगा। 2,50,000 परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। अगले 2 साल में सभी पंचायतों में ITI खोली जाएगी। 45 नई ITI की स्थापना होगी। बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर जिले में रोजगार मेले लगाए जाएंगे। लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सेक्टर की स्थापना की जाएगी। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। 186 मॉडल विद्यालयों की स्थापना होगी। सवाई मानसिंह अस्पताल में इंजरी सिस्टम स्थापित होगा। हायर एजुकेशन फाउंडेशन स्थापित किया जाएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा केवल एक चरण में होगी। RTET समाप्त कर दी गई। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी की स्थापना होगी। नारगढ़ वन उद्यान का औषधि के लिए विकास होगा। पिछली सरकार द्वारा बंद की गई भामाशाह योजना को फिर से शुरू करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महिलाओं के खाते में 2,000 रुपए जमा कराए जाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 20 नए छात्रावास खोले जाएंगे। सरकार नगरीय विकास के मामले में गुजरात मॉडल अपनाएगी। अधिस्वीकृत पत्रकारों की मेडिक्लेम की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की। प्रेस फोटोग्राफरों के लिए बीमा पॉलिसी घोषित की गई है। सरकारी कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया जाएगा। प्रदेश में भू दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, जिस पर 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान पोर्टल पर जन सुनवाई शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, उनके उन बच्चों को 50% छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो IIT व IIM में चयनित होंगे। इसी प्रकार UG और PG में भी 10,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने 2 घंटे और 17 मिनट के बजट भाषण में कई घोषणाएं की। परीक्षा में टॉप किया है। प्रदेश के निवासियों में अद्वितीय क्षमता प्रतिभा और पोटेंशियल है, परंतु यह भी सत्य है कि राजस्थान औद्योगिक तथा मानव विकास के इंडिकेटर्स के परिप्रेक्ष्य में अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। प्रदेश के 52% से अधिक निवासी अभी भी कृषि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। मेरा विश्वास है कि सरकार और जनप्रतिनिधियों का आम जनता से रिश्ता रूलिंग और रूल्ड क्लास का नहीं होना चाहिए। हम सब अपने समाज और अपने प्रदेश को बेहतर बनाने और प्रगति की इस यात्रा में पार्टनर्स हैं। मैं आज सदन से और राजस्थान की जनता से वर्तमान हालात ओपनली शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले राज्य की वित्तीय स्थिति। विगत 5 वर्ष के वित्तीय कुप्रबंधन ने एक बार पुनः राजस्थान की वित्तीय स्थिति का खस्ता हाल कर दिया है।
वर्ष 1998 से 2003 के शासन में जितनी वित्तीय स्थिति पिछली सरकार ने बिगाड़ी थी उससे भी खराब स्थिति अब की बार वर्ष 2008 से 2013 के शासन काल में हुई है। मैं सदन को यह याद दिलाना चाहूंगी कि वर्ष 2003-04 में जब हमने कार्य संभाला था तब राजस्व घाटा 3,424 करोड़ रुपया था। वर्ष 2007-08 तक हमने इस घाटे को बदलकर 1,653 करोड़ रुपए का सरप्लस करके दिया, लेकिन पिछले 5 वर्षों की अकुशल गवर्नेंस राज्य को फिर राजस्व घाटे में ले आई है। 2013-14 के संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार ये राजस्व घाटा लगभग 2,500 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार वर्ष 2003-04 में जब हमने बागडोर संभाली थी तब फिस्कल डिफिसिट 6.5% से अधिक था। इसको घटाकर हमने वर्ष 2007-08 में 1.75% कर दिया था, लेकिन पिछली सरकार इसको फिर से 3% से अधिक करके छोड़ गई। इससे राज्य के ऊपर कर्ज के भार का पहाड़ बन गया है। मार्च 2008 के अंत में कर्ज तथा अन्य लायबिलिटीज का कुल भार 77,138 करोड़ रुपया था। मार्च 2014 में ये 53,502 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,30,640 करोड़ रुपये होना संभावित है। यही नहीं, हर परिवार रेनी डे के लिए बचत करता है। जिम्मेदार मुखिया होने के नाते मैंने भी ऐसे दिनों के लिए FRBM एक्ट के माध्यम से राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन निधि स्थापित की थी। इस कोष में हम लगभग 850 करोड़ रुपए जमा करके छोड़ गए थे, लेकिन पिछली सरकार ने राजस्थान की गरीब जनता की इस बचत को भी खत्म कर दिया। अफसोस की बात यह है कि इतना कर्ज लेकर भी इसको प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पर नहीं लगाया गया, बल्कि परिवार के एक लापरवाह मुखिया की तरह केवल राजस्व खर्चे बढ़ाने में ही उपयोग किया गया। वर्ष 2003-04 में जब इन्होंने सरकार छोड़ी तब अतिरिक्त लिए गए कर्ज का केवल 42% ही पूंजीगत व्यय था। इसको बढ़ाकर हम वर्ष 2007-08 में 109% तक ले गए, जो कि GSDP का 3.4% था। राजस्व आधिक्य इंश्योर करने के कारण हम इतना अधिक पूंजीगत व्यय कर पाए, लेकिन एक बार पुनः गैर जिम्मेदारी का दौर आया और पिछले 5 वर्षों में पूंजीगत व्यय घटकर GSDP का 2.95% ही रह गया। यहां तक कि वर्ष 2010-11 में तो ये नेट बोरोइंग्स का केवल 67% ही था। ऐसा लगता है कि पिछले 5 वर्ष तक कोई वित्तीय प्रबंधक था ही नहीं। मैं इसका एक और उदाहरण देना चाहूंगी। वर्ष 2008-09 तक, यानी कि जब हमने सरकार छोड़ी, तब राज्य की बिजली कंपनियों का कुल घाटा 15,000 करोड़ रुपए से लगभग था। पिछले 5 वर्षों में ये घाटा बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। अतः पिछले 5 वर्षों में बिजली कंपनियों का घाटा 60,000 करोड़ रुपए बढ़ा, जो कि शुरुआत में से लेकर वर्ष 2008-09 तक के घाटे का 4 गुना है। इस विकट वित्तीय स्थिति से उबरने की कुशलता और काबिलियत दोनों मेरी पार्टी और मेरी सरकार में है। इस संकटग्रस्त वित्तीय स्थिति के बावजूद समृद्ध और विकसित राजस्थान तथा सबजन विकास और सबजन उत्थान मेरी सरकार के मूल मंत्र होंगे। इधर विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी ने बजट को भ्रमित करने वाला बजट बताया और कहा कि पिछली सरकार को कोसने के अलावा इस बजट में कुछ नहीं किया। डूडी ने कहा कि कॉर्पोरेट घराने को लाना चाहती है और अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। बजट पूरा का पूरा जो है राजस्थान की जनता को भ्रमित करने वाला बजट है। ये राजस्थान की जनता को भ्रमित करने वाला बजट है और इस बजट में कहीं कोई सरकार का विजन जो है ना क्लियर नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अपना मैनिफेस्टो एक संकल्प पत्र के जो है संकल्प पत्र जनता के बीच में रखा, इनमें उन बातों का कहीं कोई जिक्र नहीं है जो जनता के साथ में वादे किए थे। इस बजट के तहत महंगाई का कहीं उसमें कहीं जिक्र नहीं, और मैं बताना चाह रहा हूँ कि महंगाई जो है इस बजट के बाद महंगाई राजस्थान के अंदर और बढ़ेगी, क्योंकि 350 करोड़ से ऊपर जो है टैक्सेस लगे हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि पीने के पानी जो है ना वो महंगा होने जा रहा है, बिजली आपकी महंगी होने जा रही है। मतलब PPP मोड पे जो है ना ये सारा काम जो है जिस तरीके से जो इनका सोच और जिस तरीके से इनका एक जो है विजन जो इन्होंने इस आपके जो है बजट में दिखाया,
तो मैं मतलब उस बजट से हमें पूरा ये लगता है कि इस आने वाले टाइम में राजस्थान की जनता के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात होगा, राजस्थान की जनता के साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि गांव के अंदर भी जिस तरीके से हमारा सोच हमेशा ये रहा, कांग्रेस पार्टी का सोच हमेशा रहा कि हमने जो है उस ग्राम पंचायत को मजबूत और सशक्त बनाने के कदम उठाए। इधर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट सरकारी उपक्रमों के निजीकरण के मार्ग को प्रशस्त करने के साथ ही महंगाई बढ़ाने वाला है। पायलट ने कहा कि बजट भाषण की शुरुआत मुख्यमंत्री के राजनैतिक द्वेष के स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ हुई। पूरे बजट में पूर्ववर्ती शासन की परियोजनाओं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं में अनुचित व अनावश्यक रूप से कमियों को निकालने का अवास्तविक काम किया गया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बजट में विकास, सशक्तिकरण, रोजगार एवं महिला सुरक्षा पर किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया। निशुल्क दवा एवं जांच योजना पर बजट प्रावधान में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है और खाद्य सुरक्षा के तहत पंजीकृत लोगों को ही बीमा व निजी चिकित्सालयों में इलाज के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जो राज्य की शेष बची आबादी के साथ अन्याय होगा। रोडवेज के निजीकरण की घोषणा करके परिवहन को महंगा करने के साथ ही कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे को छोटे भूखंडों पर लागू कर जनता पर अनावश्यक बोझ डालने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि पेयजल दरों को रिवाइज करने के नाम पर बढ़ाने की योजना भी बजट द्वारा प्रस्तुत की गई है। बिजली उपलब्ध करवाने में विफल रही सरकार ने इन्वर्टर व यूपीएस पर 14% वैट लगाकर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। पायलट ने कहा कि पूरे बजट में पीपीपी प्रणाली के द्वारा विकास करने पर जोर दिया गया है, जिसके भविष्य में सुखद परिणाम आने पर शंका है, क्योंकि जब बिजली, पानी एवं परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं का निजीकरण होता है तो जनता पर महंगाई की मार अधिक पड़ती है, तथा पीपीपी प्रणाली में किस प्रकार व किन शर्तों पर निवेश आमंत्रित किया जाएगा उसका उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि आगामी समय में राजस्थान की प्रत्येक सेवा को, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, आधारभूत ढांचा व कानून व्यवस्था भी, यह सरकार पीपीपी प्रणाली पर संचालित करने का मानस बना रही है, क्योंकि विगत 7 महीनों में सरकार की अकर्मण्यता निरंतर सामने आई है। पायलट ने कहा कि 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाली भाजपा ने बजट में रिफाइनरी जैसी रोजगार सृजन की स्वर्णिम योजना पर रीनेगोशिएशन के नाम पर तलवार लटका दी है। स्कूलों के सम्मानीकरण की घोषणा करके मुख्यमंत्री ने 40,000 से ऊपर शिक्षकों को सरप्लस बताकर घर बिठाने की व्यवस्था कर दी है। कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है, परंतु रोजगार कहां और कैसे उपलब्ध होगा इसका कोई रोड मैप नहीं है, तथा पहले से मौजूद प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए कोई योजना नहीं है। स्टेट हाईवे तथा मुख्य जिला सड़कों पर पीपीपी प्रणाली के द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें 5 वर्षों में राज्य के 20,000 करोड़ रुपयों का योगदान रहेगा, परंतु इस वर्ष मात्र 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। सोलर पावर के क्षेत्र में 25,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य 5 साल में रखा गया है, जिसमें से 7,000 मेगावाट का कार्यादेश एवं MOU पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के समय किया गया था, जिसका इसमें जिक्र नहीं करके राजनैतिक द्वेषता का परिचय दिया गया है। हम लोगों ने जो मांग रखी थी और 33 जिलों में सरकार को सचेत किया था कि महंगाई को, बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए, वो इस पूरे बजट भाषण में और पूरे बजट का जो डॉक्यूमेंट है उसमें कहीं भी हमको इन्फ्लेशन के खिलाफ सरकार की लड़ाई का कोई संकेत नहीं है। दूसरी बात, किसानों को इस बजट में पूरी तरह से इग्नोर किया। इस पूरे बजट में हम लोगों को सिर्फ पीपीपी और पीपीपी और पीपीपी सुनाई दिया। यह अलग बात है कि कॉन्सेप्ट को
हमारी केंद्र की सरकार ने 90 के दशक में शुरू किया था, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हर चीज में थोपना मैं समझ रहा हूँ कुछ हद तक खराब भी है। जहाँ तक राज्य सरकार ने जो नंबर्स दिए हैं, जो आने वाले समय में घोषणाएं करी हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि आज से 4 दिन पहले केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया था और वहाँ पर उन्होंने घोषणा करी थी कि इस साल लखनऊ और अहमदाबाद के अंदर वो मेट्रो की परियोजना चालू करना चाह रहे हैं। केंद्र के वित्त मंत्री भारत सरकार की तरफ से लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो चालू करना चाहते हैं और बजट भाषण में जेटली जी ने कहा कि देश के जितने भी ऐसे शहर हैं जहाँ की आबादी 20 लाख से ज़्यादा है वहाँ पर हम मेट्रो को चलाने की कोशिश करेंगे। उसके 4 दिन के बाद आज मुख्यमंत्री जी ने कहा अपने भाषण में कि जयपुर मेट्रो परियोजना बहुत जल्दी हम लोगों ने कर दी, इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी मांग नहीं थी, इसकी योग्यता नहीं थी। ये मैं समझता हूँ बहुत गलत है और इसमें विरोधाभास है। और आप लोगों की जानकारी में बताना चाहूँगा कि जयपुर मेट्रो की परियोजना की परिकल्पना 1988 में की गई थी, तब से फाइलों में ये परियोजना घूमती रही और अंततः जाके इसको हमारी सरकार ने अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे तब इस योजना को शुरू किया और समयबद्ध टाइमलाइन के तहत इसको खत्म करने का हम लोगों ने संकल्प किया था। आज 7 महीने हो गए, अब इस किसी न किसी बहाने लगाकर ये सरकार इस योजना को टालना चाहती है और ये कहा गया कि इसमें इतना नुकसान होगा, ये वायबल नहीं है, तमाम तरह की मुश्किल पैदा करने का संकेत किया। ठीक इसी तरह रिफाइनरी के नाम पर रीनेगोशिएशन का शब्द का इस्तेमाल किया, रीनेगोशिएट पिछले 7 महीने कोई रीनेगोशिएट नहीं किया है। अगर इतनी बात है तो सरकार को एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए था, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए था, लेकिन सिर्फ क्योंकि इन दोनों परियोजनाओं पर कांग्रेस पार्टी की मोहर लगी हुई है इसलिए किसी ना किसी बहाने से इनको टालने का एक काम सरकार ने किया है। सड़कों के लिए कहा है कि 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश राजस्थान सरकार करेगी और इस साल बजट में मात्र 250 करोड़ रुपए रखे, मतलब अगले 4 साल में 19,750 करोड़ रुपए सरकार लेकर आएगी, हासिल लेकर आएगी, इसका कोई राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री के बजट भाषण से ठीक पहले प्रतिपक्ष की ओर से एक बार फिर सांवरलाल जाट के मंत्री न होने और सरकार के अस्तित्व में नहीं होने का मामला उठाकर हंगामा किया गया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने इस मामले में स्पष्ट रूलिंग पुराने उदाहरणों के साथ देते हुए कहा कि कांग्रेस के सदस्य अपना कुतर्कों के चलते व्यवस्था को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। आसन ने हमारी बात सुने बगैर ही कहा कि कांग्रेस के सदस्य व्यर्थ व्यवधान पहुंचा रहे हैं तथा मैं इसकी निंदा करता हूं। डूडी ने कहा कि आपको पक्षपात नहीं करते हुए बराबर न्याय करना चाहिए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने रूलिंग देते हुए कहा कि प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सरकार के अस्तित्व में नहीं होने का आधार रही तथ्य दिया गया था। संविधान में चुनाव आयोग को चुनाव करने का अधिकार दिया गया है और चुनाव में जीतने वालों को निर्वाचित घोषित करने का अधिकार दिया गया है। 8 दिसंबर 2013 को प्रदेश में चुनाव की मतगणना हुई और 13 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना में सांवरलाल जाट को नसीराबाद से विधायक निर्वाचित होना बताया गया है। इस अधिसूचना पर किसी भी प्रकार की शंका नहीं हो सकती। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अतः कांग्रेस का यह नितांत आधारहीन तर्क है तथा कांग्रेस कुतर्कों के आधार पर व्यवस्था को चुनौती दे रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जब राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस को अशोक गहलोत को स्थापित करना था तो उन्हें सांसद रहते हुए शिवचरण माथुर के मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया। 6 माह तक वे मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और उस दौरान वे विधायक नहीं थे। 1980 में जगन्नाथ पहाड़िया को दिल्ली से मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया और वे भी 6/6/1980 से 24/11/1980 तक बिना विधायक बने मुख्यमंत्री रहे। इस संवैधानिक व्यवस्था के तहत सांवरलाल जाट 28/11/2014 तक मंत्री बने रह सकते हैं और वे आज की तारीख में 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्य हैं।
मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस विधायक जो बात कह रहे हैं वे ये बात 1980 में करते तो जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री नहीं रह पाते। तो क्या यह माना जाए कि उस समय की पहाड़िया सरकार अस्तित्व में नहीं थी? इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को बजट भाषण शुरू करने को कहा और निर्धारित समय से 16 मिनट देरी से बजट भाषण शुरू हुआ। शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए भ्रष्टाचार व विद्यालय एकीकरण पर रोक लगाने को लेकर आज राजस्थान शिक्षक संघ जिला शाखा जयपुर की ओर से कलेक्ट्री पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष भवानी शंकर ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्री पर धरना दिया जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये हमारा जो आंदोलन है वो शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए है। राजस्थान में भारत की संसद के द्वारा शिक्षा का अधिकार जो कानून पारित किया गया उसकी अधिसूचना 29 मार्च 2011 को हुई। उसके नियम 7 की उपनियम 1 से 8 तक ये व्यवस्था है कि वंचित बालक जो दुर्गम स्थानों पर भी रहता है वहाँ पर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वर्तमान सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए और आम बालक को शिक्षा से वंचित करके एक और जहाँ शिक्षा के अधिकार कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है, दूसरी तरफ संसद की अवमानना कर रही है और एकीकरण के नाम पर स्कूलों को बंद कर रही है। इसके पीछे जो सरकार का मानस हमें लगता है वो ये है कि सरकार रिक्त पदों को, खाली जो रिक्त पद हैं उनको भरने की बजाय स्कूलें तोड़कर बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली जो शिक्षा प्रणाली है उसको बर्बाद कर रही है और निजीकरण और व्यवसायीकरण को बढ़ावा दे रही है जो प्रदेश की शिक्षा के लिए दुर्भाग्यजनक है। तो हमारा ये पूरे राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर ये आंदोलन है और वहाँ के अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर ये मांग की जा रही है कि शिक्षा के अधिकार कानून को बहाल करो और स्कूल बचाओ, शिक्षा बचाओ और प्रत्येक बालक के शिक्षा अधिकार प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित रखें। स्थायी करने की मांग को लेकर राजधानी जयपुर में पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे विद्यार्थी मित्रों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में उद्योग मैदान से विद्यार्थी मित्र रैली के रूप में रवाना होकर ज्योति नगर टी पॉइंट पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी हल्की नोकझोंक भी हुई जिसके बाद पुलिस ने एक प्रतिनिधि मंडल को विधानसभा में भेजा। विद्यार्थी मित्रों का कहना है वर्तमान बीजेपी सरकार ने चुनावों से पहले वादा किया था कि वो सत्ता में आती है तो उन्हें नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन नियमित करना तो दूर, सरकार ने आते ही हमें स्कूलों से तक हटा दिया। ऐसे में हम मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द सरकारी स्कूलों में लगाकर नियमित करें, अन्यथा विद्यार्थी मित्र उग्र आंदोलन के लिए आगे आएगा। वही प्रदर्शन के दौरान कई महिला शिक्षक विद्यार्थी की तबीयत भी बिगड़ गई। महिला मित्रों की मीडिया के सामने रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने कहा स्कूलों से हटाने से उनके भूखे मरने तक की नौबत आ गई है। समायोजन और एकीकरण के मांग को लेकर हम विद्यार्थी मित्र ये प्रदर्शन कर रहे हैं। विगत 7 सालों से हम विद्यार्थी मित्र के पद पे कार्यरत हैं और जब माननीय वसुंधरा राजे प्रतिपक्ष की नेता थी तब भी उन्होंने हमसे वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम विद्यार्थी मित्रों को नियमित करेंगे और इन्हें सरकारी सेवाओं में समायोजित करेंगे, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हो रहे हैं कि विद्यार्थी मित्र दर दर भटकने को मजबूर हो रहा है। नए सत्र के आदेश भी नहीं किए जा रहे हैं जिसके कारण हम विद्यार्थी मित्र मजबूर होकर एक बार फिर से हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है। हमारी मुख्य मांगे नियमित होने की, सरकारी सेवा में समायोजन किया जाए, हमारा कोई अलग कैडर बनाया जाए और हमारे पद सुरक्षित किए जाए और हमें नए सत्र से लगने के आदेश दिए जाए। आगे की रणनीति यही है। अभी हमने शांतिपूर्वक प्रशासन के साथ में मिलकर ये प्रदर्शन किया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो एक बार फिर से उद्योग मैदान में बैठकर हम हमारी आगामी रणनीति के तहत कुछ अन्य प्रोग्राम करेंगे। कोमल दादीज, राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ महासचिव।
राजधानी जयपुर की कच्ची बस्तियों में रहने वाली महिलाओं ने विधानसभा के पास ज्योति नगर टी पॉइंट पर धरना देकर सरकार से आवास मुहैया करने की मांग की। हाथों में बैनर लिए महिलाओं को कहना था कि आज वे किराए के मकान में रहकर अपना जीवन गुजर बसर रही है। सरकार ने कई कच्ची बस्तियों को तबाह कर दिया, ऐसे में उन्हें सरकार आवास मुहैया करवाए। महिलाओं के लिए एक प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। भोलेनाथ की आराधना का विशेष पर्व सावन मास के पहले सोमवार पर छोटी काशी के शिवालय शिव के जयकारे से गुंजायमान हो गए। इस मौके पर भोले के भक्तों ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। देवों के देव महादेव की आराधना में शिव भक्तों का सैलाब शिवालयों में बाबा की सेवा में उमड़ा। शहर के प्रमुख मंदिरों चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव, क्वींस रोड स्थित झारखंड महादेव, बनी पार्क स्थित जंगलेश्वर महादेव, झोटवाड़ा रोड स्थित चमत्कारेश्वर महादेव, दिल्ली रोड स्थित बंगाली बाबा आश्रम के स्वयं आत्माराम ब्रह्मचारी महादेव, कुकस के सदाशिव ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव मंदिर सहित गली मोहल्लों व बाहरी कॉलोनियों के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर भोलेनाथ की मनुहार की। श्रद्धालुओं ने कतार में लगकर बारी बारी से भोले बाबा की पूजा अर्चना की। भक्तों ने रोली, चंदन, मोली, अक्षत व बिल्व पत्र, आंख धतूरा और भांग अर्पित कर भोलेनाथ की पूजा की। सावन के पहले सोमवार को अनेक मंदिरों में मनमोहक झांकियां सजाई गई। इधर तीर्थ स्थली गलता में सुबह से ही कांवड़ियों का मेला सावन मास की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्राओं का भी दौर शुरू हो गया। सावन मास के पहले ही दिन कांवड़ियों के समूहों ने गलता और अन्य तीर्थ स्थलों के जल से महादेव का अभिषेक किया। गुलाबी नगरी की एकमात्र तीर्थ स्थली गलता में सुबह से ही कांवड़ियों का मेला लगना शुरू हो गया। यहाँ शहर व आसपास के क्षेत्रों से कांवड़िए पहुंचे। पवित्र सूर्य कुंड में स्नान के बाद कांवड़ियों ने यहाँ से पात्रों में जल ग्रहण कर विभिन्न मंदिरों में अभिषेक किया। सड़कों पर अल सुबह से ही बोल बम, ताड़क बम का उद्घोष लगाते और भगवा वस्त्रों में सजे कांवड़ियों का समूह गलता की ओर निकल पड़ा। श्रावण मास में वन सोमवार प्रमुख रूप से मनाया जाता है। माह के चारों सोमवार पर श्रद्धालु बाग बगीचों, उद्यानों और रमणीक स्थलों पर पहुंच व्रत खोलेंगे। सावन का पहला सोमवार पर वन सोमवार मनाने वालों की चहल पहल दिखाई दी। इसके साथ ही शहर के शिव मंदिरों में प्रदोष और सोमवार को विशेष झांकियां सजाई गई। श्रावण के पहले सोमवार का बहुत बड़ा महत्व है। श्रावण के सोमवार को जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान भोलेनाथ महामृत्युंजय के 5, 11, 21 बिल्व पत्र अर्पण करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्रावण के महीने में जो सोमवार आता है इसको वन सोमवार भी बोलते हैं। इस वन सोमवार पहले सोमवार के दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर को पानी के लिए जंगल में जाके भगवान शंकर की तपस्या की थी, उनकी सेवा पूजा अर्चना की थी, जिससे उनको शंकर भगवान के रूप में वर प्राप्ति हुई। इसको वन सोमवार भी कहा जाता है। जो भी गृहिणियाँ शंकर भगवान की पूजा करके और किसी वन में जाके भोजन करती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार का पहला बजट सोमवार को हुआ पेश, प्रदेश को मिली कई सौगातें। कांग्रेस ने राज्य सरकार के बजट पर दी प्रतिक्रिया, महंगाई को बढ़ावा देने और आम आदमी की पहुंच से दूर बताया। और सावनलाल जाट के मंत्री न होने को लेकर प्रतिपक्ष ने एक बार फिर किया हंगामा।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर।